हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से और आप सभी का मेरे छोटे से टैरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे, अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, खूबसूरत सा प्लांट, ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है, जीजी प्लांट। इसी के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी दोस्तों कि मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, प्लांट एकदम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, प्लस इजी टू केयर, इजी टू ग्रो, इजी टू प्रोपोगेट है और एकदम हमारे गार्डन में ग्रीनरी भी जोड़ता है। देखिए इसके पत्तियाँ कितने खूबसूरत है, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, प्लस एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है और एकदम बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इसको इसका छोटा सा डॉब वैरायटी भी आता है, उसको टेबल टॉप में, ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है। इसको टेबल टॉप में रखो या ऑफिस में रखो, बेडरूम में, लिविंग रूम में या किचन में, कहीं पे भी रखो। ये बड़ा वैरायटी और एक छोटा वैरायटी, दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते, तो दोनों की केयर भी सेम ही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी मिट्टी, तो दूसरे प्लांट की तरह इसकी मिट्टी भी बहुत ही एकदम भुरभुरी सी पोरस मिट्टी ही चाहिए इस प्लांट को। तो उसके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी, और थोड़ी सी नीम की खली, मतलब एक दो मुट्ठी नीम की खली, तो उसमें उसके पॉटिंग मिक्स में इस पौधे को लगाना है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। तो उसकी मिट्टी मतलब एकदम पोरस मिट्टी होनी चाहिए, कि इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। मिट्टी के बाद पानी, इसका पानी भी हमें बिल्कुल सोच समझ के देना है, वो क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। जैसे गर्मी में हफ्ते में दो दिन पानी देना है हमें, वो भी चेक करके दीजिएगा कि अगर ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, मतलब एक दो इंच तक मिट्टी सूखी रहे, तभी इसको पानी देना है। और सर्दियों में भी चेक करके ही दीजिएगा, तो सर्दियों में 10 दिन में या हफ्ते भर में एक बार पानी देना इस प्लांट के लिए काफ़ी है, कि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। और इसके देखिए, इसके नीचे ऐसे एक बल्ब जैसा रहता है इस प्लांट के नीचे, उसमें बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, तो वहीं से ये प्लांट लेता रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से फिर उसके बल्ब ख़राब होने लगते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल ध्यान रख के ही हमें इस प्लांट को पानी देना है, कि जब इस प्लांट की मिट्टी थोड़ी सूख जाए उसी टाइम ही हमें इस प्लांट को पानी देना है दोस्तों। इस प्लांट को मिट्टी और पानी के बाद सनलाइट, इस प्लांट को क्या इंडोर सनलाइट, इंडोर प्लांट है तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को बहुत अधिक पसंद है, मतलब कि थोड़ी सी हवादार जगह हो प्लस इनडायरेक्ट सनलाइट हो, तो इस प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करता है और अच्छा भी रहता है। तो इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट ही पसंद आता है, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट हो तो पार्शियल शेड में रखना है, कि सुबह या शाम की हल्की सी एक आध घंटे की धूप हो तो इस प्लांट के लिए अच्छा है। तो दोस्तों मैंने इस प्लांट को जिस जगह पे रखा है, यहाँ पे शाम की हल्की सी धूप आती है, मतलब आधे एक घंटे की हल्की सी धूप आती है, तो इस प्लांट के लिए अच्छा है। तो इसमें प्लांट बहुत अच्छा ग्रो भी करता है। अगर किसी के घर ऐसे इनडायरेक्ट सन, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना आए, ऐसे पार्शियल हल्की सी धूप ना आए, तो इनडायरेक्ट सनलाइट भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो अधिकतर लोग तो इसको इनडायरेक्ट में ही रखते हैं, और डायरेक्ट में रखना है तो एकदम पार्शियल में ही रखना है हमें, कि सुबह या शाम की बिल्कुल भी हल्की सी धूप इसको मिले, बिल्कुल हल्की धूप। ज़्यादा तेज़ वाली धूप से क्या होता है, इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती है। तो ये इंडोर प्लांट होने के कारण दोस्तों इसको हम तो बिल्कुल रूम में, लिविंग रूम में, कहीं पे भी रख सकते, किचन में कहीं पे भी रख सकते, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस थोड़ी हवादार जगह हो तो इस प्लांट के लिए अच्छा है। तो बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों, ये बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसकी मिट्टी, पानी, सनलाइट के बाद खाद, तो इस प्लांट को क्या बहुत अधिक खाद इस प्लांट को पसंद नहीं है। जैसे कि साल में हम दो बार खाद देते हैं, बारिश के बाद देते हैं सेप्टेम्बर अक्टूबर में, और सर्दियों के बाद देते हैं फेब्रवरी मार्च में, दो बार हर प्लांट को खाद दिया जाता है। तो इस प्लांट को भी वैसे ही देना है, अगर दो बार ना दे खाद, एक बार ही खाद दे, जैसे कि अभी सर्दियों के बाद दे, तो भी काफ़ी अच्छा, तो भी अच्छा है, एक बार खाद देने से भी चल जाता है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा पसंदीदा प्लांट है, कि ज़्यादा ये प्लांट अपना केयर ही नहीं मांगता है, बहुत अच्छा प्लांट है। तो अगर एक बार खाद भी दे तो भी ये प्लांट सर्वाइव करेगा, ऐसी खूबसूरती बरकरार रखेगा। तो बीच बीच में जैसे कि महीने दो महीने में एक बार थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, NPK वाला, जैसे गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट को रात को भिगा के रखा, उसका टी दीजिएगा महीने दो महीने में एक बार, या फिर सरसों की खली। जैसे कि मैं तो मतलब सब पौधों में जब सरसों की खली वाला खाद देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ,
वही सरसों की खली, थोड़ी सी नीम की खली और थोड़ा सा गुड़ मिला के जो फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं ना, 2-3 दिन बाद उसमें पानी डाल के जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं उसको बिल्कुल पतला घोल इस पानी में मैं महीने 2 महीने में एक बार दे देती हूँ। दूसरे प्लांट में जब देती हूँ तो किसी महीने इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर वैसा वाला सरसों की खली, या किसी महीने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का टी इस प्लांट के लिए अच्छा है। तो ये दोनों ही दे सकते हैं। और खाद अगर साल में एक बार दे तो ही इस पौधे के लिए काफ़ी है। इस प्लांट में ज़्यादा खाद मांगता नहीं है क्योंकि ज़्यादा खाद से भी परेशानी होती है। तो इस प्लांट को एक बार खाद दे और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे, या साल में 2 बार भी खाद दीजिएगा और लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस प्लांट के लिए। तो बहुत ही इसीलिए इस प्लांट को बहुत अधिक खास बनाता है कि ज़्यादा इसको ना खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी ये प्लांट एकदम सर्वाइव भी करता है और बहुत हार्डी प्लांट है, एकदम अच्छे से बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है, सर्वाइव भी करता है। और प्रोपोगेशन की बात करें दोस्तों, तो प्रोपोगेशन भी इसका बिल्कुल ईजी है। इस प्लांट से नया प्लांट बनाना भी बिल्कुल भी ईजी है। जैसे इसकी पत्ती है दोस्तों, इस पत्ती को अगर हम यहाँ से कट करके मिट्टी और रेत के मिक्सचर में इस प्लांट को लगा दें, या सिंपल कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी डाल के भी, तो भी इसमें से ये प्लांट मतलब इसकी पत्तियों के नीचे एक बल्ब जैसा छोटा सा बन जाता है, फिर उससे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। प्लस इसका ये स्टेम, इसको जो ये पत्ती का जो पोर्शन है इधर से काट के इसको भी आप अगर मिट्टी में लगा देंगे तो उससे भी जड़ निकल के एक नया प्लांट बन जाएगा, छोटे छोटे बल्ब आ जाएंगे उसमें। और प्लस इसके में तो बल्ब रहते ही है, इस प्लांट के नीचे से बल्ब है। जैसे ये वाला प्लांट देखिए, ये 4 ऐसे निकल रहे हैं ना, तो इसको अलग करके मैं इसे 4 नए प्लांट भी बना सकती हूँ। तो ऐसे भी प्रोपोगेशन बहुत ईजी है, तो और डिवाइड भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं जब लाई थी दोस्तों 5-6 साल पहले, तो ऐसे एक छोटा सा ऐसी प्लांट था, ऐसा एक छोटा सा इस टाइप का एक प्लांट था, तो उसी से देखिए कितने सारे भर गए। तो मैं इसको एक प्लांट से मैंने देखे 3 प्लांट बनाए हैं और कुछ गिफ्ट भी किए हैं। तो इस एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। तो इसका प्रोपोगेशन भी बिल्कुल ईजी है, एक बार अगर ये प्लांट ले आए तो इससे बहुत जल्दी एकदम प्रोपोगेट हो जाता है, नए प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए इसमें से भी देखिए कितने सारे नए नए प्लांट्स बन रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स बनते जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे इसकी एक छोटी सी पत्ती भी मिल जाए तो आप इसको लाइएगा, इसको ला के मिट्टी में लगाइएगा तो एक नया प्लांट बन जाएगा। बहुत जल्दी इसमें एकदम बल्ब बन के रूट बनने लगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्लांट है दोस्तों। ये खूबी के कारण इस प्लांट को खास प्लांट बनाते हैं कि ना तो इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना तो ज़्यादा ना तो डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और हमारे गार्डन, हमारे घर में बहुत अच्छी ग्रीनरी को जोड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, प्लस बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट भी है। तो बिगिनर के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनके पास थोड़ी समय की कमी रहती है उनके लिए भी अच्छा है। प्लांट को लगा ले तो ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारे गार्डन हमारे घर में बहुत अच्छी ग्रीनरी को जोड़ता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो फ्रेंड्स मेरे ये मेरा वीडियो देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हो। और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी लिखिएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।